am again with you to take the rest of the part, chapter 11. The young Abdul Kalam. So, dear students, as you all know, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग chapter 11 को read कर रहे हैं. It is a very interesting chapter. ये एक बहुत ही अच्छा chapter है हमारा, बहुत ही interesting story है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं. तो कल इसका पार्ट वन हम लोगों ने फिनिश किया था. टुडे वी विल कंप्लीट चैप्टर. आज हम लोग इसको पूरा करेंगे. वंस टाइम अगेन, एक बार फिर से पीछे की तरफ हम लोग फोकस करते हैं. एज यू ऑल नो, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द यंग अब्दुल कलाम. मीन्स इस चैप्टर में हमने यंग अब्दुल कलाम के बारे में रीड किया. एंड यंग अब्दुल कलाम जो थे वो रामेश्वरम में उनका चाइल्डहुड स्पेंड हुआ, मतलब बचपन उनका वहाँ रामेश्वरम में हुआ. और वो वहाँ पर एक मॉस्क्यू स्ट्रीट के साइड रहते हुए थे. और उनके एक जो फ्रेंड थे उनका नाम था, आप लोगों ने पढ़ा था, कोई बता पाएगा उनका नाम क्या था? उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, आप लोगों ने रीड किया था कि वो एक मॉस्क्यू के पास भी जाते थे, वहाँ बराबर इधर से उधर घूमते रहते थे, जहाँ पर देखकर लोग उनको शॉक्ड होते थे कि आखिर ये लड़का रोज़ रोज़ यहाँ पे क्यों आता है. और जब वो स्कूल जाते थे वहाँ पर उनका एक बेस्ट फ्रेंड था. आप सभी लोगों के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड होते होंगे, तो उनका भी एक बेस्ट फ्रेंड था और उनका नाम था रामानंद शास्त्री. रामानंद शास्त्री में और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोनों में ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. वो लोग स्कूल में एक ही सीट पर, फर्स्ट सीट पर बैठते थे और हमेशा साथ में रहते थे. फिर एक बार क्या होता है बेटा, जैसे कि आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि उनके एक न्यू टीचर आते हैं और जब वो देखते हैं कि अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री एक सीट पर बैठे हुए, तो वो उनको अलग अलग कर देते हैं, उनकी सीट्स अलग अलग कर देते हैं. और उसको उनके साथ जो बिहेवियर होता है वो भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है. वो रूडली उससे बोलते हैं कि तुम दोनों लोग अलग अलग बैठोगे, जिससे क्या होता है कि वो दोनों ही बहुत ही हर्ट होते हैं और बहुत ही रोते भी हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे चाइल्डहुड में, उनको जो हमारे भजन होते हैं और मंत्र होते हैं इनको सुनना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत पसंद करते थे वो. इसलिए वो हमेशा मंदिर के बाहर बैठकर उनको सुना करते थे और वहीं अपने फ्रेंड का वेट किया करते थे, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, उनके पिताजी वहाँ रामेश्वरम वाले मंदिर में वहाँ पूजा किया करते थे. तो वो भी अपने पिताजी के साथ में वहाँ पूजा करते थे, इसलिए बाहर बैठ के उसको अपने फ्रेंड का वेट करना और वजन और मंत्र वगैरह सुनना बहुत ही अच्छा लगता था. ये हम सब लोग अभी तक पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट. हम लोग शुरू करते हैं बचे हुए भाग को लेकर. ये देखिए आप लोगों ने यहाँ देखा किस तरीके से वो दोनों बच्चों की सीट्स को अलग कर देता है और वो दोनों कितने ही दुखी दिख रहे हैं इस पिक्चर में. दोनों ही रो रहे हैं, बोथ आर क्राइंग बिटरली. दोनों ही बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट. दैट इवनिंग रामा कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन एनीथिंग. कंसनट्रेट मीन्स होता है बेटा ध्यान देना. जब इतना सब कुछ हैपेंड हो गया क्लास में, उसको अलग अलग बैठा दिया गया, तो उस दिन वो किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था. एट डिनर टाइम ही कुड हार्डली ईट. हिज फादर नोटिस दैट ही वॉज नॉट ईटिंग. वो उसका खाने में भी मन नहीं लग रहा था. उसके पिता ने उसकी तरफ देखा कि राम ये तो बिल्कुल सही से खाना खा ही नहीं रहा है. रामा वाई आर यू नॉट ईटिंग. तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो. व्हाट्स रॉन्ग सन, डिड समथिंग हैपन एट स्कूल. पूछते हैं बेटा कोई बात है क्या, कुछ हुआ है स्कूल में? जैसे कि आप सब लोगों से भी आपके पेरेंट्स पूछते होंगे बेटा, है ना. एंड पॉइंट नंबर 12, रामा बर्स्ट आउट क्राइंग एंड टोल्ड हिज फादर अबाउट व्हाट द न्यू टीचर हैड सेट एंड डन. बर्स्ट मीन्स होता है बहुत बुरे तरीके से, एक तरीके से विस्फोट बोलते हैं जिसको, मतलब तो बहुत बुरे तरीके से वो रोने लगे. और उन्होंने अपने पिताजी को सारी बात बताई जो नए टीचर ने उनसे कहा और जो किया. यस फादर टूडे द न्यू टीचर. वो कहते हैं कि आज मेरे यहाँ जो नए टीचर आए उन्होंने इस तरीके से हम लोगों के साथ में बिहेव किया और हम लोगों को अलग अलग बिठा दिया. नेक्स्ट डे रामा केम रनिंग टू कलाम्स हाउस. अगले दिन रामा दौड़ते हुए कलाम के घर पर आया. एज यू आर सीइंग दिस पिक्चर, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख भी रहे हैं. और जैसे ही वो उसके घर के पास आता है, अब्दुल कम फास्ट, फादर इज कॉलिंग यू, कम ऑन वी फास्ट. वो आके विंडो से बोलता है कि अब्दुल जल्दी से बाहर आओ, मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो. उसके बाद क्या होता है, द टू बॉयज स्टूड इन फ्रंट ऑफ द प्रीस्ट. द प्रीस्ट सीम टू बी एडमोनिशिंग द टीचर. कलाम बाज स्टंड व्हेन ही हियर रामास फादर द हेड प्रीस्ट स्पीक टू द टीचर इन अ कमांडिंग वॉइस. देखिए एडमोनिशिंग मीन्स होता है स्कोल्डिंग, मीन्स होता है डांटना.
उसके बाद आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं किस तरीके से ये उसके पिता स्कूल में गए हैं और वहाँ पे जाकर उन्होंने उस टीचर को किस तरीके से डांटा। एंड हियर ड्रामा फादर और रमा की पिता की बातों को सुना। टीचर इज कमांडिंग वॉइस, वो उनको फिर वहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जब उनको डांटा उन्होंने सही तरीके से उनको बताया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आई वुड लाइक यू टू अप्लाई टू कलाम, तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कलाम को माफ़ कर दो। सर आई अप्लाई, तो वो कहते हैं कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। स्टंट मिस होता है सरप्राइज, ठीक है। कलाम वाज स्टंट व्हेन ही हियर्ड रामाज फादर, जो अब्दुल कलाम थे जब उन्होंने देखा कि रामा के पिता तो उसको लेके कितनी सारी बातें कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो वो सरप्राइज हो गया उनकी बातों को सुनकर, है ना। वो टीचर को समझाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाम बाद स्टंट टू हियर दिस, कलाम उनकी बातों को सुनकर सरप्राइज हो गया। जिसके अभी आपने पढ़ा स्टंट मिस होता है सरप्राइज होना। द टीचर अप्लाइज टू मी, आई डोंट बिलीव दिस, कलाम कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। टीचर ने मुझसे माफ़ी भी मांगी। द टीचर कुड नॉट बिलीव दैट ही वॉज बींग आस्क टू अप्लाइज टू हिज इनसिग्निफिकेंट वॉइस हुज नेम ही नाउ रिमेंबर्ड कलाम। रामा स्टूड देयर स्माइलिंग, उसको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उससे माफ़ी मांगे मांगेंगे, तो टीचर ने उसको माफ़ी मांगी और उसको माफ़ कर दिया। रामा स्टूड देयर स्माइलिंग, रामा वहाँ खड़े होकर देखता रहा और वो बहुत ही स्माइल कर रहा था। अप्लाइज टू कलाम, उसके टीचर भी उससे माफ़ी मांगते हैं। येस एंड जस्ट नाउ, वो कहते ठीक है अब कुछ सब सही हो गया है, दोनों लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इन गॉड्स आइज ऑल चिल्ड्रन आर द सेम, मतलब भगवान की नज़र में तो बेटा सभी बच्चे एक से होते हैं, फिर वो कोई भी कास्ट हो या जो भी इंसान हो, वो सभी भगवान की नज़र में एक ही होते हैं। द ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज़ टू इंश्योर दैट दे लिव इन अ हारमोनी विथ ईच अदर एंड द डिफरेंस इन देयर बैकग्राउंड शुड नॉट अफेक्ट दैम। और टीचर जो होता है बेटा उनको इस चीज़ बातों से कोई भी बात उस पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, उन्हें तो सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाना चाहिए, वो कोई बच्चा किस बैकग्राउंड से ये चीज़ किसी को भी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ही सेड दैट टीचर वुड नो लॉन्गर टीच इन द स्कूल, लंबे समय तक तो कोई नहीं पढ़ाता है। विद सच हैटर्ड इन योर माइंड आई कॉन्ट परमिट यू टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज, तो वो कहते हैं कि मैं तो ये कहीं समझूंगा ही नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद ही नहीं कि इस तरीके का कोई बच्चों को कुछ पढ़ाए, कि उनको ऐसे टीचरों को पढ़ाने की परमिशन दी जाए। द टीचर वॉज सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, तो जो टीचर ने बोला था ऐसा किया था वो बहुत दुखी था अपने बिहेवियर को लेके। ही रियलाइज दैट द हेड प्रीस्ट वॉज राइट, उसको इस चीज़ का रियलाइज हो गया जो उन्होंने कहा था कि वो सब सही था। ही हैड लर्नड अ ग्रेट लेसन इन लाइफ, इससे उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। बेटा हम लोग जब भी कोई गलती करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ऑलवेज लर्न, हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है हमने। ही अपोलाइज टू कलाम एंड हग डिम, उसने कलाम से माफ़ी मांगी कलाम से और उसको हग किया, गले से लगा लिया। द हेड प्रीस्ट स्टूड देयर ऑब्जर्विंग द टीचर एंड अंडरस्टूड दैट द टीचर वॉज जेन्युइनली अप्लाइज, वो वहाँ पर खड़े रहे जो रामा के पिता थे प्लीज खड़े रहे देखते रहे कि फिर उनको समझ में आ गया कि उन्होंने उनको अच्छे से उनको माफ़ कर दिया और उसके अंदर अब कोई भी ऐसी बात नहीं है। द हेड प्रीस्ट टुक बैक हिज ऑर्डर एंड परमिटेड द टीचर टू कंटिन्यू टीचिंग इन द स्कूल, उसके बाद जो हेड प्रीस्ट होते हैं वो अपना जो ऑर्डर उन्होंने दिया था कि इस तरह के टीचर को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, वो अपना ऑर्डर वापस ले लेते हैं और उनको पढ़ाने के लिए कंटिन्यू रखते हैं स्कूल में। कलाम एंड रामा हैप्पली कंटिन्यू टू सिट टुगेदर इन द फ्रंट ऑफ सीट्स, इसके बाद कलाम और राम दोनों फिर से फर्स्ट सीट पर बैठने लगते हैं साथ में। दे रिमेंड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑल देयर विलेज, और वो उन्होंने फिर से याद आया कि हम लोग इस गांव के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड क्लास, अब आपका चैप्टर ये पूरा होता है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो बेस्ट फ्रेंड रहे और एक दूसरे की हेल्प भी की। आप लोग भी एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते होंगे और हमेशा आगे करते रहिएगा। तो नाउ वी विल कम्प्लीट लेट्स ट्राई वन, टेक द करेक्ट सेंटेंस एंड पुट अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ द रॉन्ग सेंटेंस। रामेश्वरम इज एन आइसलैंड सिटी फेमस फॉर मैनी टेम्पल्स, इट्स राइट, सो यू ऑल विल टेक हेयर, इट्स राइट। कलाम एंड रामा वर एनिमीज, क्या वो दोनों दुश्मन थे? नो, देवर बेस्ट फ्रेंड्स, यू विल राइट हेयर क्रॉस। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, कलाम वॉज वेरी कलाम ऑलवेज वोर अ फेज कैप टू स्कूल, इट्स राइट। द टीच A new teacher did not like Kalam sitting next to Rama. Yes, right. Kalam was stunned when Rama's father asked the teacher to apologize to him.
जब रामा के पिता ने उस टीचर से कलाम से माफ़ी मांगने के लिए कहा तो कलाम स्टंड रह गया, मतलब सरप्राइज हो गया। इट्स ट्रू, द न्यू टीचर डिड नॉट टीच इन द स्कूल एनी मोर, मतलब नए टीचर ने क्या फिर बाद में नहीं पढ़ा पाया। इट्स रॉन्ग, कलाम के फादर और शास्त्री जी के पिताजी ने उसने उनको परमिशन को जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको वापस ले लिया था और उनकी वहाँ टीचिंग कंटिन्यू रही थी। ओके, इन लेट्स ट्राई टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर बेटा कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इनको करेक्ट ऑर्डर में आप कैसे राइट करोगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इनको आप चैप्टर्स में फाइंड आउट करेंगे और जहाँ पर आपको मिल रहे हैं वहीं पर इन लाइंस को ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, ऐसे अंडरलाइन कर लिया। अब सपोज अगर आपको ये वाली लाइन सबसे पहले मिली तो यहाँ आपने पॉइंट नंबर 1 डाल दिया, उसके बाद आपको ये लाइन मिली तो आप यहाँ 2 डाल दो, इसके बाद ये आई 3, और इसी सीक्वेंस से 1 2 3 यहाँ जो नीचे राइट है वहाँ पर आप राइट कर लेंगे। ओके, चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो नंबर 1 में हम राइट करेंगे कलाम स्पेंट, आप यहाँ पे राइट करेंगे कलाम स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन रामेश्वरम इन साउथर्न इंडिया, नंबर 1 पे आप राइट करेंगे। ओके, नंबर 1 पे आप इसको राइट कर देंगे। नंबर 2 पे देखिए, यंग कलाम वुड लॉयटर नियर द टेंपल, मतलब वो हमेशा मंदिर के आसपास टालमटोरी करते रहते थे। ओके, नेक्स्ट करेंगे एट स्कूल कलाम एंड रामा सेट टुगेदर, नंबर 3 पर। नंबर 4 पर करेंगे आप लोग राइट, द न्यू टीचर डिड नॉट लाइक कलाम सिटिंग नेक्स्ट टू रामा। उसके बाद आफ्टर द क्लास वॉज ओवर बोथ द बॉयज कंटिन्यू टू फील वेरी सैड। नेक्स्ट करेंगे द हेड प्रीस्ट सीम टू बी एडमोनिशिंग द टीचर एंड सेविंग द टीचर अप्लाइज टू कलाम। एंड 8 नंबर पर करेंगे द टीचर वॉच सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। नाउ योर लेट्स ट्राई टू ऑल्सो कम्प्लीट, यू ऑल विल कम्प्लीट इन योर बुक। आई विल अगेन विद यू टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।